भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कटिहार जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के मिर्जा इबारी भरत भूषण पथ के समीप सैकड़ों गरीब के बीच सूखा खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इसे लेकर युवा अध्यक्ष मणि पासवान ने बताया कि कोरोना काल में यह निर्णय लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों और असहाय के बीच खाद्य सामग्री वितरण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान कांग्रेस के सुनील कुमार यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश के इसमें आदेश अनुसार हम लोग आज कटिहार जिला युवा कांग्रेस के सारा टीम मिल के मिर्चियाबाड़ी में गरीबों के बीच सूखा राशन वितरण किए, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि 30वां पुण्यतिथि पे हम लोग कटिहार जिला युवा कांग्रेस सारा टीम मिल करके सूखा राशन वितरण किए। आज से हम लोग का शुरुआत है और आगे आगे हम लोग हर दिन ऐसा प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। परिचय मोहम्मद इश्तियाक आलम, कटिहार जिला युवा कांग्रेस महासचिव। सूखा सामग्री वितरण किए आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद में, क्योंकि वो इस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। आज हम लोग कुछ सामग्री गरीबों के बीच वितरण किया है और भी करने का प्रोग्राम है, जो कि हम लोग का गांव में जाकर करके करेंगे। आज उनकी याद में हम लोग यही कार्यक्रम सामग्री वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आज हम लोग के युवा द्वारा और जितने भी यूथ कांग्रेस के टीम के द्वारा आज हम लोग सूखा सामग्री का वितरण कर रहे हैं। जो कोरोना काल में जो रिक्शे वाले सब है उनको थोड़ा सा एक हम लोग एक उनके पुण्यतिथि पर हम जरूरतमंदों को थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा हेल्प कर रहे हैं। हम लोग सूखा सामग्री में उनका 30वां आज पुण्यतिथि है, राजीव गांधी जी का पूर्व प्रधानमंत्री थे और युवा का एक चाहते एक युवा को जोश भरने वाले थे, ऐसे वो हमारे प्रधानमंत्री थे। उनके आज पुण्यतिथि पर हम लोग सूखा सामग्री का वितरण किए यूथ कांग्रेस में। मैं मणि पासवान, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कटिहार।